हे गाइस, तो आज का लंच बॉक्स प्रिपेयर कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले टेंशन होती है कि यार सुबह उठ के क्या बनाएं, और थोड़ा जल्दी भी बन जाए और बच्चों को ये भी ना लगे कि यार रोज़ रोज़ मम्मा ये क्या पराठा सब्जी सब्जी देती रहती है। तो आपको लग रहा होगा मैं पराठा बना रही हूँ, लेकिन आगे आगे देखिए एक्चुअली इसमें एक ट्विस्ट है। तो हाँ, मैं पराठा तो बना रही हूँ। तो ये मैंने सिंपल सा स्क्वायर पराठा बनाया जो मेरा फेवरेट रहा करता था, मतलब अभी भी है। मुझे स्क्वायर पराठा बहुत अच्छा लगता था। तो आप कमेंट करके बताना कि आपको किस तरीके का पराठा अच्छा लगता है, कौन से शेप का। तो पराठा बन गया है, और अब मैं क्या कर रही हूँ ना, ये दो आलू ले रही हूँ, ये मैंने रात को उबाल लिया था, और इसको ना ऐसे रोस्ट करना है। रोस्ट करने के बाद छील लेना है। अगर आप यूपी या बिहार साइड से हो तो वहाँ पर जनरली बनता रहता है, लंच में भी बनता है। तो इसको कोई चोखा कहता है या फिर कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। तो इसमें मैंने थोड़ी सी प्याज और थोड़ा सा नमक, चिली फ्लेक्स और ऑरेगानो डाला है, क्योंकि थोड़ा सा बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग बनाना है। तो ये मैंने पराठा लिया है, इस पर थोड़ी सी तंदूरी मेयो थी मेरे पास, मैं वो डाल रही हूँ, साथ में केचप, और इसको अच्छे से मिक्स कर देना। अब आप कहोगे यार यार इससे अच्छा तो आलू का पराठा बना लेते हैं, बट यार थोड़ा सा बच्चों को इंटरेस्टिंग जो बनाना है, और आप इसको सिंपल भी रख सकते हैं, पराठे के साथ सिंपल पैक करके भी रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, क्योंकि बच्चों को भी अच्छा लगेगा, अच्छा आज मम्मा ने ना बहुत अच्छा लंच बॉक्स पैक करके दिया है। और ये मैंने पैक कर दिया है अलग अलग कट करके, थोड़ा सा मतलब एक अट्रैक्टिव लगे बच्चों को, और खाने में भी मज़ा आए, क्योंकि रोल करके बच्चों को ज़्यादा चीज़ें दो ना तो उनको इंटरेस्ट ज़्यादा आता है। आप इसमें सब्जियां भी डाल सकते हैं। और मैंने अपने हस्बैंड के लिए मटर पनीर बनाया था, तो मैंने थोड़ा सा वो भी डाल दिया, क्योंकि ग्रेवी वाला नहीं था ज़्यादा, और साथ में एक पराठा और रख दिया। वो मैंने इसलिए रखा है क्योंकि जब मैं थी ना स्कूल में, तो या बीच में ना कभी भी भूख लग जाती थी, तो उसके लिए भी थोड़ा होना चाहिए, और साथ में मैंने एक स्नैक्स और रख दिया। तो ये है आज का लंच बॉक्स। कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको, और अपने भी आइडियाज़ शेयर करना।